करण जौहर पर नेपोटिज्म को बढ़ावा देने वाले आलोचकों को होस्ट और एक्टर मनीष पॉल ने करारा जवाब दिया है। हाल ही में वो करण जौहर के बैनर की जुग जुग जियो में वरुण धवन के जिगरी दोस्त गुरप्रीत के रोल में नजर आए हैं। मनीष बताते हैं, करण सर के बारे में नेपोटिज्म से रिलेटेड बहुत बातें उठती हैं। मैं तो इसमें विश्वास नहीं करता। मेरे ख्याल से जो लोग उन पर उंगली उठाते हैं, दरअसल उन जैसे आलोचकों का काम ही है उंगली उठाना। मुझे तो काम दिया ही है करण ने। मैं तो किसी एक्टर या उनके रिश्तेदार का बेटा नहीं हूँ। बाकी उनकी आदत है मस्ती मजाक करना, उसके चलते उनके बारे में आम धारणा बनी है कि वो हमेशा मजाक के मूड में ही रहते हैं। असलियत यह है कि वो बेहद केयरिंग इंसान और अपने कलाकारों का बहुत ख्याल रखने वाले प्रोड्यूसर हैं। करण के साथ साथ मनीष स्टार किड वरुण धवन की भी हौसला अफजाई करते हैं। मनीष बताते हैं, वरुण बतौर इंसान और को स्टार बेहद हेल्पफुल हैं। वो सिर्फ अपनी लाइनों या सीन की तैयारियों में ही डूबा नहीं रहता, वह सभी की हेल्प करता है। वरुण फिल्म की बेहतरी के लिए अपने किरदार या फिल्म की मेकिंग के मद्देनजर खुद के सीन में बदलाव करता रहता है। किसी एक्टर में वह पहलू भी मैंने पहली बार देखा, वरना ज्यादातर एक्टर अपने सीन और किरदार को लेकर सेल्फिश हो जाते हैं। मैं एक्टिंग ठीक कर रहा हूँ। मनीष साथ ही अनिल कपूर, कियारा आडवाणी, नीतू कपूर के भी शुक्रगुजार हैं। वो वजह जाहिर करते हैं, इस फिल्म से पहले वो सब मुझे बतौर होस्ट प्यार करते थे। फिल्म में मेरा काम देख वो सब मुझे एक्टर के तौर पर प्यार करने लगे। दरअसल उन सबको डर लगा हुआ था कि मनीष तो बरसों से होस्ट रहा है, इसे एक्ट करने के दौरान कहीं एक्टिंग की ट्रेनिंग न देनी पड़ी। वह इसलिए कि होस्टिंग और एक्टिंग दोनों अलग विधा हैं। होस्टिंग में आपके सामने ऑडियंस होती है, आपको तुरंत अपनी परफॉर्मेंस का उनसे फीडबैक मिल जाता है। एक्टिंग करने के दौरान आपके सामने कैमरा ही ऑडियंस होती है, लिहाजा यहाँ पता नहीं लग पाता कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। ऐसे में इनको स्टारों से मुझे अप्रिशिएट किया जाता रहा है, इससे पता चलता रहा कि मैं ठीक एक्टिंग कर रहा हूँ।